करनाल में आढ़तियों व किसानों ने अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर सरकार के द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेश को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि अध्यादेशों में कहा गया है कि फसल व्यापारी मंडी की जगह कहीं बाहर से खरीद सकता है, 6.5% टैक्स बचेगा। इस बारे में किसानों का कहना है कि अगर व्यापारी मंडी से अनाज नहीं खरीदेगा तो मंडी खत्म हो जाएगी, जिससे किसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह 3 अध्यादेश भारत के करोड़ों किसान, मजदूर, आढ़ती, मुनीम परिवारों को बर्बाद कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बंद करके किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। अगर सरकार ने MSP पर खरीद बंद कर दी तो खेती किसानों के साथ साथ देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी बड़े संकट में फंस जाएगी। यहां आपको बताते चले कि मंडी आढ़तियों ने भी किसान संगठनों का समर्थन कर दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 3 अध्यादेश वापस ले और जैसे किसान का पहले ढांचा था वैसे ही ढांचा रहे, और किसान की पेमेंट भी आढ़ती के माध्यम से हो, और किसान को डीजल आधे रेट पर मिले, और बिजली विभाग जैसे पहले है वैसे ही रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। कर रही है सरकार, और इसके बदले कुछ नहीं है। किसान आढ़तियों के बिना किसान क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता आढ़तियों के बिना किसान। तो प्रदर्शन क्यों कर रहे? प्रदर्शन इसीलिए कर रहे कि आढ़तियों क्यों खत्म किया जा रहा है। हाँ, आढ़तियों को और किसानों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज प्रदर्शन हो रहा है ये सरकार के खिलाफ है। सरकार हमारी फूड ग्रेन से भागना चाहती है। सरकार चाहती है कि ये सब प्राइवेट बिके। वो कहते हैं कि मंडियों में जो आएगी उसके ऊपर तो मंडी टैक्स होगा, और जो बाहर हम फसल किसान बेचेगा, जो उसको खरीदेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। सरकार की मंशा आढ़ती और किसान के संबंध खराब करने की है। सरकार MSP से भागना चाहती है, वरना जब मंडियाँ इन्होंने इतनी करोड़ों रुपए की दुकानें बेची हुई हैं अरबों रुपए की, तो उसका मतलब क्या है कि मंडी में टैक्स लगेगा, बाहर टैक्स लगेगा। ये सब किसान आंदोलन है, आढ़तियों ने इसका समर्थन किया है। किसान मजदूर सब इकट्ठे होकर यहाँ पे आए हैं, और उनका ये अध्यादेश बोले कि वापस करो सर अध्यादेश। हाँ जी, अगली रणनीति क्या है? अगर सरकार नहीं मानने की तो देशव्यापी आंदोलन चलेगा। अभी तो हरियाणा पंजाब में आई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।